हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवनी के बारे में। इनकी बायोग्राफी देखते हैं। इनका अभी 2017 में नया राष्ट्रपति बनाया गया। रामनाथ कोविंद एक दलित नेता है, ठीक है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रहे हैं। सन 2015 से 2017 तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। 19 जून 2017 को बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कोविंद जी को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया था, और 20 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति 14वें राष्ट्रपति बने। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुआ था। कोविंद ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की थी। गवर्नर ऑफ बिहार की वेबसाइट के मुताबिक कोविंद दिल्ली हाईकोर्ट में 1977 से 1979 तक केंद्र सरकार के वकील रहे। 1980 से 1993 तक केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसलिंग में थी। दिल्ली में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 16 साल तक प्रैक्टिस की, और 1971 में दिल्ली बार काउंसिल के लिए नामित हुए थे। 1994 में कोविंद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए। वह 12 साल तक राज्यसभा सांसद रहे। वे कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक। कोविंद गवर्नर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के भी सदस्य रह चुके हैं। 2002 में कोविंद ने संयुक्त राष्ट्र के महासभा को संबोधित किया था। कोविंद ने कई देशों की यात्रा भी की है। कोविंद की पहचान एक दलित चेहरे के रूप में अहम रही है। छात्र जीवन में कोविंद ने अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए काम किया है। 12 साल की सांसदी में कोविंद ने शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। ऐसा कहा जाता है कि वकील रहने के दौरान कोविंद ने गरीब दलितों के लिए मुफ्त में कानूनी लड़ाई लड़ी है। अब कोविंद की शादी, रामनाथ कोविंद जी की शादी की बात करें, 30 मई 1974 को सविता कोविंद से हुई। इनके एक बेटे प्रशांत हैं और एक बेटी नाम स्वाति है उसका, ठीक। अब रामनाथ कोविंद जी की राजनीति करियर देखते हैं। 2016 में बिहार में कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक समारोह में एक पुल का उद्घाटन करते हुए थे। सत्रह अप्रैल 2007 में बिहार के राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद भारत के माननीय राष्ट्रपति का स्वागत। अब यहाँ से देखते हैं लोग, बस 1991 में, ठीक है, 1991 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, हो गए थे। बस 1994 में उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2000 में पुनः उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए रामनाथ कोविंद जी। इस प्रकार कोविंद लगातार 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे, ठीक। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात करें तो सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक समर्थन एनडीए गठबंधन द्वारा 19 जून 2017 को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। अमित शाह ने कहा है कि रामनाथ कोविंद दलित समाज से उठकर आए हैं। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। वे पेशे से एक वकील हैं और उन्हें संविधान का अच्छा ज्ञान भी है, इसलिए वे अच्छे राष्ट्रपति साबित होंगे। आगे भी मानवता के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे।
20 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें कोविंद ने यूपीए की प्रत्याशी मीरा कुमार को लगभग 3,34,000 वोटों के अंतर से हराया था। कोविंद 65.65% वोट हासिल किए थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पश्चात 14वें राष्ट्रपति 25 जुलाई 2017 को 14वें राष्ट्रपति के रूप में कोविंद ने शपथ ली है। यहाँ मीरा जो यूपीए की प्रत्याशी थी उनके बारे में बता दें, एक लोकसभा अध्यक्ष की पहली महिला थी। अब कुछ रामनाथ कोविंद से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां देख लेते हैं हम लोग। रामनाथ कोविंद का जन्म कानपुर देहात के परोक गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। जिस गांव में कोविंद का जन्म हुआ था वह ब्राह्मण एवं ठाकुर बहुल इलाका था, जहां सिर्फ 4 दलित घर थे। कोविंद के पिताजी परोक गांव के चौधरी थे, वो एक विख्यात वैद्य भी थे। उनके पास एक करियाना और वस्त्र की दुकान भी थी। रामनाथ कोविंद बचपन से ही एक होनहार विद्यार्थी थे। कानपुर देहात से अपनी प्राथमिक शिक्षा अर्जित करने के उपरांत वे कानपुर चले गए, जहां कानपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने कॉमर्स और कानून में स्नातक किया। स्नातक करने के बाद कोविंद दिल्ली चले गए, जहां वे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गए। दिल्ली में उनकी मुलाकात जनसंघ के नेता हुकुम चंद उज्जैन वाले से हुई, जिसके बाद उनका रुझान राजनीति की तरफ हो गया। कोविंद ने अपने पेशे की शुरुआत एक वकील के तौर पर की। 1971 में वे दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य भी बने। 1979 से 1979 तक कोविंद ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बतौर एडवोकेट कार्य किया। इसी अवधि के दौरान वे तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के लिए निजी सहायक भी रहे। 1978 में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी बने। 1980 से 1993 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बतौर केंद्रीय सरकार के स्थायी अधिवक्ता का कार्य किया। 8 अगस्त को वे बिहार के 36वें राज्यपाल बने और 19 जून 2017 को एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए नामित किए गए थे। ठीक है, 25 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर गोपनीयता की शपथ ली थी। रामनाथ कोविंद जी की जीवनी, ठीक, जो हम लोगों ने देख ली अच्छे से।